हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आपके लिए यानी कि क्लास थर्ड के स्टूडेंट्स के लिए साइंस टर्म पैक जो बुक है भारती भवन पब्लिशर्स की, उसकी बुक के चैप्टर्स लेके आई हूँ। चैप्टर नंबर 1 से शुरुआत करेंगे। तो चलिए नए फ्रेंड्स के साथ, नए स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट करते हैं। आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ चैप्टर पसंद आएगा और आप फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे और आगे से आगे अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करेंगे। सो लेट्स बिगिन। सो लेट्स बिगिन विद द एक्टिविटी गिवन एट द पेज नंबर 1। एक्टिविटी इज यू हैव लर्न अबाउट द पार्ट्स ऑफ द बॉडी डेट हेल्प अस नो थिंग्स। आपने पढ़ा होगा उन बॉडी पार्ट्स के बारे में जो हमें चीज़ों को जानने के लिए हेल्प करती हैं। लेट अस सी इफ़ यू रिमेंबर देम करेक्टली। तो अभी ये देखते हैं कि आपको ये सारे बॉडी पार्ट्स और उनकी फंक्शनिंग जो है प्रॉपर याद है भी या नहीं। यहाँ पर मैचिंग दी गई है, तो बॉडी पार्ट्स जो उनकी पिक्चर्स दिखाई गई हैं और लिखा गया है कि वो किस काम में हेल्प करते हैं। सबसे पहले हैंड दिखाया गया, तो हैंड जो है हमारा किस काम में हेल्प करेगा। सी थिंग्स चीज़ों को देखने में, हेयर थिंग्स चीज़ों को सुनने में, टेस्ट थिंग्स चीज़ों को टेस्ट करने में यानी कि उनका स्वाद चखने में, फील थिंग्स चीज़ों को महसूस करने में या फिर स्मेल थिंग्स चीज़ों को सूंघने में। तो हाथ जो है यानी कि हमारी स्किन है, तो स्किन हमारी हेल्प करती है चीज़ों को फील करने के लिए। आईज दिखाई गई हैं यहाँ पे, आई हमारी हेल्प करेगी किस चीज़ में, सी थिंग्स चीज़ों को देखने के लिए। ईयर्स हैं यहाँ पे, ईयर्स जो हैं हमारे हेल्प करेंगे किस में, स्मेलिंग में, नो ईयर्स जो हैं हमारे हेल्प करेंगे हेयरिंग में। उसके बाद दी गई है हमारी नोज़, नोज़ हेल्प करेंगे स्मेलिंग में। उसके बाद हमारी टंग दी गई है जो हमें टेस्टिंग में हेल्प करेगी। इस तरीके से आपको ये सारी जो मैचिंग यहाँ पर गिवन है उसको सॉल्व करना है। मूविंग अहेड, लेट्स बिगिन विद द चैप्टर व्हाट इज़ इनसाइड द बॉडी। जैसा कि चैप्टर का नाम है बेटा, व्हाट इज़ इनसाइड द बॉडी, हमारी बॉडी यानी कि हमारे शरीर के अंदर क्या है। आवर बॉडी इज़ कवर्ड बाय स्किन, हमारे जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है वो किससे कवर्ड है, किससे घिरा हुआ है, स्किन से, हमारी त्वचा से। द स्किन प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी, हमारी स्किन हमारे शरीर को बचाती है। इट डज़ नॉट लेट जर्म्स गेट इन टू द बॉडी, ये कीटाणुओं को, जर्म्स को हमारे बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर जाने से भी रोकती है। नर्व्स इनसाइड द स्किन हेल्प अस फील पेन, हीट, टच एंड सो ऑन। नर्व्स यानी कि हमारी जो नसें हैं स्किन के अंदर, वो हमें हेल्प करती है हमारे दर्द को महसूस करने में, हीट जो गर्मी हमें महसूस होती है, जो कोई अगर हमें टच करता है, या फिर ऐसी सारी चीज़ें जो स्किन जिसको फील कर सकती है, जिस सेंसेशन को स्किन फील कर सकती है, उनको फील करने में हमारी हेल्प कौन करता है, नर्व्स हेल्प करती है। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में जो कुछ भी लिखा होगा मैं आपको थोरली एक एक वर्ड जो है वो पढ़ाऊंगी, समझाऊंगी। आई होप आप इसको ध्यान से सुनोगे और साइंस में अपना इंटरेस्ट डेवलप करोगे। आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी यहाँ पे दी गई है, लुक एट योर स्किन एंड अदर थिंग्स थ्रू अ हैंड लेंस। हैंड लेंस यहाँ पे दिया गया है, इसके ज़रिए आप अपने स्किन को या फिर बाकी की चीज़ों को देख सकते हैं। डू दे लुक डिफरेंट, क्या ये दोनों अलग दिख रहे हैं। यहाँ पर हैंड लेंस के साथ एक फ्लावर देखा जा रहा है और यहाँ पर अपना हाथ, हमारी स्किन देखी जा रही, तो क्या ये दोनों सेम लग रही है या अलग लग रही हैं। अ लेंस कैन मेक थिंग्स लुक बिगर, एक लेंस क्या कर सकता है, चीज़ों को बड़ा दिखा सकता है। साइंटिस्ट यूज माइक्रोस्कोप टू मेक थिंग्स लुक मच बिगर देन दे आर। अब साइंटिस्ट क्या करते हैं कि हमारे आसपास में, हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे वातावरण में, हवा में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें प्रेजेंट होती है जो हमें ऐसे नहीं दिखती, तो साइंटिस्ट उसको देखने के लिए एक डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, एक छोटी सी मशीन का इस्तेमाल करते हैं जिसको बोलते हैं माइक्रोस्कोप। उसके अंदर लेंस प्रेजेंट होते हैं जो चीज़ों को, लेंस क्या होता है, एक तरह का शीशा है ना, तो वो जैसे हमारे कॉन्टैक्ट लेंस होते हैं, चश्मे होते हैं ना, वैसा वो लेंस होता है जो चीज़ों को बहुत बड़ा करके दिखा देता है उसके एक्चुअल साइज से। माइक्रोस्कोप्स हैव मोर देन वन लेंस, तो एक ऐसे लेंस के साथ यहाँ पे हैंड लेंस के साथ हाथ जो है वो बड़ा दिखाई दे रहा है, हमारी त्वचा बड़ी दिखाई दे रही है। ऐसे ही माइक्रोस्कोप में एक से ज़्यादा लेंसेस लगे होते हैं। मूविंग अहेड, हेयर कम्स आउट ऑफ टाइनी होल्स ऑन द स्किन।
आपने अपनी त्वचा के ऊपर ये देखा होगा कि त्वचा में से हमारी स्किन में से जो हेयर है वो बाहर निकल रहा है ना, तो वो हमारी स्किन के ऊपर छोटे छोटे टाइनी होल्स यानी कि छोटे छोटे छेद होते हैं जिसको रोम छिद्र बोलते हैं हम, उसमें से वो हेयर जो है स्किन से बाहर निकलता है। ईच हेयर हैज़ अ रूट इनसाइड द स्किन। अगर आप साइंस पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको बड़ा इंटरेस्टिंग ये लगेगा कि हमारे जो स्किन के ऊपर जो बाल निकलते हैं उस एक एक बाल के अंदर उसकी एक एक रूट यानी कि जड़ रहती है। ट्राई टू पुल आउट अ हेयर इट विल हर्ट। जब आप बाल को खींचोगे तो ये आपको दुख पहुंचाएगा। स्निप ऑफ अ बिट ऑफ हेयर इट विल नॉट हर्ट। अगर आप अपने हाथ के बालों को या फिर कहीं पर भी अपने बॉडी के ऊपर बालों को काट कर निकालोगे तो क्या होगा, वो आपको हर्ट नहीं करेगा। दिस इज बिकॉज ओनली द रूट ऑफ द हेयर कैन फील। ये इसलिए क्योंकि बाल की सिर्फ और सिर्फ जड़ जो है वो फील कर सकती है। द रेस्ट ऑफ द हेयर इज डेड। और बाल के बाकी के जो सेल्स हैं यानी कि बाकी जिस चीज़ से वो बना हुआ है वो डेड होता है, मरा हुआ होता है, वो कुछ भी फील नहीं कर सकता। टाइनी ट्यूब्स इनसाइड द स्किन मेक स्वेट। स्किन के अंदर छोटी सी पतली सी ट्यूब्स प्रेजेंट रहती है, वो क्या करती है, स्वेट जो है उसको बनाती है। स्वेट कम्स आउट थ्रू द पोर्स टाइनी होल्स ऑन द स्किन। तो स्किन यहाँ पर दिखाई गई है ना, ये हमारी स्किन के ऊपर स्वेट पोर प्रेजेंट है। क्या है, स्वेट पोर। तो ये स्वेट पोर जो है यहाँ पे दिखाया गया है, तो इससे क्या होगा, स्वेट पोर से स्वेट जो है वो रिलीज होगा। इसके अलावा ये यहाँ पर हेयर दिखाए गए हैं, यहाँ पे हेयर की रूट प्रेजेंट है, यहाँ पर फैट सेल हैं स्किन के अंदर, यहाँ पे नर्व्स दिखाई गई हैं। तो ये यहाँ पर एक डिवाइस आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं माइक्रोस्कोप। ये माइक्रोस्कोप ही ऐसी डिवाइस है जिसके अंदर एक से ज़्यादा लेंस लगे रहते हैं। एक यहाँ पर रहता है, यहाँ पर भी रहता है, यहाँ पर लाइट पड़ने के लिए लाइट सोर्स के लिए मिरर प्रेजेंट रहता है यहाँ पे। तो दिस इज़ हाउ द स्किन लुक्स अंडर द पावरफुल माइक्रोस्कोप। ये एक पावरफुल माइक्रोस्कोप है जो चीज़ों को जूम आउट करके दिखा देता है हमें, ठीक है। तो जब हम अपने स्किन को इसके अंदर देखते हैं तो ये स्किन हमें इस तरीके की नज़र आती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हेयर है, हेयर रूट है, यहाँ पर हेयर टिप है। तो यहाँ पर अगर रूट से बाल को हम खींचेंगे तो ये हमें स्किन के अंदर जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर हमें पेन महसूस होगी। अगर बाल को ऊपर से काट लेंगे तो बिल्कुल भी पेन महसूस नहीं होगी। मूविंग ऑन नेक्स्ट पेज, अंडर द स्किन। स्किन के नीचे अभी क्या प्रेजेंट है, अंडर द स्किन देयर आर मसल्स। स्किन के नीचे, स्किन की लेयर के नीचे बॉडी में क्या प्रेजेंट है, मसल्स प्रेजेंट है, जिसको हम मांसपेशियां बोलते हैं। दिस इज़ वॉट वी कॉल फ्लैश। इसके अलावा इसको हम मास यानी कि फ्लैश भी बोलते हैं। देयर इज़ सम फैट टू स्टोर्ड अंडर द स्किन। इसके अलावा हमारी स्किन के अंदर फैट जो है वो भी स्टोर हुई पड़ी है। द मसल्स हेल्प अस रन। जो मसल्स हैं हमारी किस चीज़ में हेल्प करती है, हमें भागने में, है ना। आपने देखा होगा टांगे जो है हमारी, उसके ऊपर जो परत है यानी कि जो स्किन की लेयर है ना, उसके नीचे क्या प्रेजेंट है, मसल्स, मांसपेशियां ही प्रेजेंट है। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, है ना, यहाँ पे बाजुओं में देखिए, यहाँ पे क्या है, मसल्स प्रेजेंट है, सारी मसल्स दिखाई गई हैं। तो ये मसल्स जो हैं हमारी बॉडी को हेल्प करती हैं रन यानी भागने में, वॉक चलने में, सिट बैठने में, प्ले खेलने में, आप जो खेलते हो उसमें, एंड सो ऑन। ऐसी सारी एक्टिविटी जिसमें हमारी फुल बॉडी इन्वॉल्व होती है, उन सारी एक्टिविटीज़ में हमारी हेल्प कौन करता है, हमारी मसल्स। द फैट अंडर द स्किन कीप्स अस वार्म। अब मैंने बोला है कि हमारी स्किन के अंदर फैट भी प्रेजेंट होती है। वो फैट करती क्या है, उसका काम क्या है, बोलते हैं ना कि फैट है मतलब लोग मोटे हैं, इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है। फैट का मतलब ये है कि थोड़ी सी चर्बी उसके अंदर प्रेजेंट है जो क्या करती है, बॉडी को वार्म रखती है, गर्म रखती है। यहाँ पे देखिए हमारी बॉडी के अंदर ये मसल्स प्रेजेंट है, यहाँ पर लिखा हुआ है मसल्स के अलावा ये हमारी बॉडी जो है इसके अंदर बोन्स भी प्रेजेंट है। क्या है, बोन्स। यहाँ पे हमारी ये बैकबोन दिखाई गई है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारी बैकबोन है, और ये सारी फुल बॉडी में हमारी बोन्स प्रेजेंट रहती है। नेक्स्ट, अंडर द मसल्स आर बोन्स, यानी कि ये जो हमारी मसल्स प्रेजेंट है यहाँ पे, उन मसल्स के नीचे
क्या प्रेजेंट होगा? बोन्स प्रेजेंट होगी। ये है कि हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है। हम क्या पढ़ रहे हैं अभी कि हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट है। सबसे पहले हमने पढ़ा स्किन के बारे में, उसके बाद स्किन के अंदर क्या है? मसल्स, और मसल्स के अंदर क्या है? बोन्स है। दे आर हार्ड एंड यू कैन फील दैम। वो हार्ड होती है और आपको वो आप उसको आराम से फील कर सकते हैं। सबको पता है कि उनकी बॉडी में क्या है? बोन्स प्रेजेंट है। फील योर बैकबोन, इट रन्स डाउन फ्रॉम द हेड टू द हिप्स। तो ये हमारी जो बैकबोन है वो हमारे हेड से हमारी हिप तक जाती है। इसको हम रीढ़ की हड्डी भी बोलते हैं। ये हमारी बॉडी के लिए एकदम सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करती है। यानी कि अगर यहाँ पे हमारी बॉडी में ये रीढ़ की हड्डी नहीं होगी तो हम एकदम सीधे स्ट्रेट खड़े नहीं हो सकते। अगर ये नहीं होगी तो क्या होगा? सपोज़ आप हाथ में कपड़ा पकड़िए, ठीक है, उस कपड़े को सीधा पकड़ना है आपने दोनों हाथों से। अभी क्या करना है? ऊपर वाला हाथ जो है वो छोड़ देना है, ठीक है। क्या होगा? कपड़ा ऊपर से जो हाथ से पकड़ा हुआ होगा ना, वो एकदम नीचे आ जाएगा, वो गिर जाएगा, वो टिकेगा नहीं, खड़ा नहीं रहेगा। वैसे ही अगर हमारी बॉडी में ये रीढ़ की हड्डी ना प्रेजेंट हो तो हम भी खड़े नहीं हो पाएंगे। बोन्स हेल्प अस मूव। अब बोन्स जो हैं वो हमारे चलने में मदद करती है। दे ऑल्सो गिव शेप टू द बॉडी। हमारी बॉडी को एक शेप देती है, खास ढांचा देती है। विदाउट बोन्स वी वुड बी शेपलेस लाइक स्नेल्स। अगर हमारी बॉडी में बोन्स नहीं होगी तो हम स्नेल्स के जैसे एकदम शेपलेस हो जाएंगे, हमारी कोई शेप होगी ही नहीं। नेक्स्ट यहाँ पर एक्टिविटी दी गई है, स्टिक फोर पेंसिल्स इंटू सम डफ एज शोन। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा आटा लिया है, डफ यानी कि आटा। ये आटा लेकर इसमें चार पेंसिल्स खड़ी कर दी है। देन ड्रैप अ पीस ऑफ क्लॉथ ओवर देम। अब इसके ऊपर क्या किया है? एक कपड़ा जो है वो इस तरीके से रख दिया गया है। द क्लॉथ विल हैव अ शेप। अब ये कपड़े की एक खास शेप दिख रही है हमें ना। पुल आउट द पेंसिल्स। अब इसमें से अगर आप पेंसिल्स निकाल लोगे द क्लॉथ विल फॉल इन अ शेपलेस हीप। तो जब पेंसिल्स निकाल ली तो ये कपड़ा जो है एकदम नीचे गिर जाएगा। बोन्स एक्ट लाइक द पेंसिल्स इन दिस एक्टिविटी। तो इस एक्टिविटी में ये जो पेंसिल दिखाई जा रही है ये क्या है? जैसे हमारी बॉडी में हड्डियाँ होती हैं, अगर ये पेंसिल है तो ये इसकी शेप है, अगर ये नहीं है तो इसकी कोई भी शेप नहीं होगी, ठीक है। वैसे ही हमारी बॉडी में जब बोन्स प्रेजेंट रहती है तो हमारी बॉडी को एक शेप जो है वो मिलती है, अदरवाइज हमारी बॉडी को कोई भी शेप नहीं मिलेगी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज अंडर द बोन्स। अब बोन्स के अंदर यानी कि बोन्स के नीचे क्या प्रेजेंट है उसके बारे में पढ़ेंगे। बोन्स प्रोटेक्ट सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी। बोन्स जो है बॉडी के कुछ हिस्सों को बचा कर रखती है। द बोन्स ऑफ द हेड फॉर्म द स्कल। हमारे सर की ये जो बोन्स हैं वो क्या चीज़ बनाती हैं? स्कल बनाती हैं। द स्कल कवर्स एंड प्रोटेक्ट्स द ब्रेन। स्कल जो है हमारे ब्रेन को इस तरीके से कवर करता है और उसको बचा कर रखता है। द ब्रेन हेल्प्स अस थिंक, फील एंड रिमेंबर। ये हमारा जो ब्रेन है, हमारा दिमाग है, वो हमारी हेल्प कैसे करता है? हमारे सोचने के लिए, हमारे विचार करने की शक्ति के लिए ये हमारी हेल्प करता है। सोचने में मदद करेगा, फील चीज़ों को महसूस करने में मदद करेगा, और रिमेंबर चीज़ों को याद रखने में मदद करेगा। इट कंट्रोल्स एवरीथिंग वी डू। ये जो भी काम हम करते हैं उनको कंट्रोल करता है। कौन करता है? हमारा ब्रेन। द बोन्स ऑफ द चेस्ट फॉर्म अ होलो स्पेस। हमारी ये जो चेस्ट की बोन्स हैं ये क्या करती है? अपने अंदर होलो स्पेस यानी कि खाली जगह जो है वो क्रिएट करती है। इनसाइड दिस स्पेस लाई द हार्ट एंड द लंग्स। इस स्पेस के अंदर क्या लाई करता है? हमारा हार्ट। देखिए यहाँ पर हमारा हार्ट है और हमारी लंग्स यानी कि ये जो है हमारे फेफड़े हैं यहाँ पर। द हार्ट पम्प्स ब्लड एंड द लंग्स हेल्प अस ब्रीथ। अब ये हार्ट जो है ये क्या करता है? हमारे खून को पंप करने का काम करता है, खून के दौरे को रेगुलेट करने का काम करता है। और ये जो लंग्स हैं वो किस चीज़ में हेल्प करती हैं? ये लंग्स हमारे सांस लेने में हमारी मदद करती हैं। अब यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, द हार्ट एंड द लंग्स लाई इनसाइड द होलो फॉर्म्ड बाय द बोन्स ऑफ द चेस्ट। ये जो चेस्ट के ज़रिए ये जो होलो स्पेस दिखाई गई है इसके अंदर हमारा हार्ट और हमारे लंग्स रहते हैं। नेक्स्ट, द होलो स्पेस बिलो द चेस्ट इज कॉल्ड द एब्डोमेन। ये चेस्ट के नीचे यहाँ पर ये खाली जगह रहती है, इस खाली जगह को क्या बोलते हैं? एब्डोमेन बोलते हैं। एब्डोमेन का मतलब क्या रहता है? हमारा पेट। मैनी ऑर्गन्स आर पैक टाइटली इन साइड दिस स्पेस। इस स्पेस की जगह यानी कि इस जगह के ऊपर काफ़ी सारे ऑर्गन्स इसके अंदर एकदम टाइटली रखे गए हैं।
ऑर्गन्स आर पार्ट्स ऑफ द बॉडी डैट डू स्पेशल जॉब्स. अब ऑर्गन्स क्या होती हैं? ऑर्गन्स बॉडी पार्ट्स होती हैं जो कुछ खास काम शरीर में करते हैं. द ब्रेन, लंग्स एंड हार्ट आर ऑर्गन्स. हमारा दिमाग, हमारे लंग्स यानी कि फेफड़े और हमारा हार्ट यानी कि दिल, ये सारे क्या है? हमारे ऑर्गन्स हैं. द स्किन, नोज, आइज, ईयर्स एंड टंग आर सेंस ऑर्गन्स. इसके अलावा कुछ सेंस ऑर्गन्स होते हैं जिनके ज़रिए हम चीज़ों को महसूस कर सकते हैं. हम जिंदा जो रहते हैं चीज़ों को फील करते हैं, चीज़ों की पहचान कर सकते हैं, इन्हीं सेंस ऑर्गन्स की हेल्प से करते हैं. कौन कौन से सेंस ऑर्गन हैं हमारे? हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं जिसको हम बोलते हैं स्किन हमारी त्वचा, नोज हमारी नाक, आइज हमारी आँखें, ईयर्स हमारे कान एंड टंग हमारी जीभ. दे हेल्प अस सेंस थिंग्स. ये हमें चीज़ों को सेंस करने में हेल्प करती है. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज ब्लड. हम पढ़ रहे हैं व्हाट इज इनसाइड द बॉडी, हमारे शरीर के अंदर क्या क्या है. सबसे पहले हमने पढ़ा स्किन के बारे में. स्किन के अंदर प्रेजेंट है मसल्स. मसल्स के बाद हमने ये पढ़ा कि मसल्स के अंदर क्या प्रेजेंट है? बोन्स प्रेजेंट है. अभी हम पढ़ने जा रहे हैं ब्लड यानी कि हमारे शरीर में दौड़ने वाले लिक्विड के बारे में. वो क्या है? कौन सा लिक्विड है? ब्लड. खून दौड़ता है हमारे शरीर में, है ना. बिग एंड स्मॉल ट्यूब्स रन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ अवर बॉडी कैरिंग ब्लड. बड़ी और छोटी ट्यूब्स जैसे होती हैं, पाइप्स जैसे होती हैं, वो हमारे फुल शरीर में, फुल बॉडी में प्रेजेंट है. दीज ट्यूब्स आर कॉल्ड ब्लड वेसल्स. अभी इनके अंदर क्योंकि खून जो है वो चलता है, खून का दौरा रहता है, तो हम इनको क्या बोलते हैं? ब्लड वेसल्स बोलते हैं. द ब्लूइश ग्रीन लाइन्स रनिंग थ्रू द बैक ऑफ द हैंड एंड द आर्म आर ब्लड वेसल्स. हमारी आर्म जो है, हमारी बाजू जो है, बाजू के अगले और पिछले हिस्से में कुछ ब्लू और कुछ ग्रीन कलर की लाइंस प्रेजेंट होती है ना. अगर आप अपना हाथ देखोगे, अपनी बाजू देखोगे, अपनी रिस्ट, अपनी कलाई देखोगे, जहाँ पे घड़ी पहनते हैं वहाँ पे अगर आप देखोगे तो हरे रंग की या फिर नीले रंग की कुछ लाइंस आपको दिखाई देंगी. ये लाइंस क्या हैं? ये हमारी ब्लड वेसल्स हैं, इनमें हमारा खून प्रेजेंट रहता है. ठीक है. नेक्स्ट, द लार्जेस्ट ऑफ द ब्लड वेसल्स आर कनेक्टेड टू द हार्ट. जो शरीर की सबसे बड़ी ब्लड वेसल्स हैं वो हमारे दिल के साथ. यहाँ पे देखिए बॉडी में, ये हमारी बॉडी में हमारा हार्ट जो है ये प्रेजेंट है. ब्लड फ्लोज इन एंड आउट ऑफ द हार्ट थ्रू दीज. हमारी बॉडी में जो खून है इन वेसल्स के ज़रिए हार्ट तक जाता है और हार्ट से वापस बाहर आता है. ब्लड फ्लोइंग थ्रू द ब्लड वेसल्स कैरीज फूड टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी. अभी ब्लड वेसल्स में जाने वाला जो खून है वो अपने साथ क्या लेके जाता है? खाना लेके जाता है सारे के सारे बॉडी पार्ट्स के लिए. इट ऑल्सो कैरीज मैनी अदर थिंग्स लाइक द एयर वी ब्रीद इन. इसके अलावा हमारे खून में हमारे खाने के अलावा क्या प्रेजेंट रहता है? हवा. जो सांस हम लेते हैं उस हवा में क्या प्रेजेंट होता है? ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है. अभी आप देखते हो ना, बैठे बैठे आप सांस ले रहे हो, है ना. तो जब हम सांस लेते हैं तो हमारे अंदर क्या जाता है? हवा जाती है. डू यू नो वाई यू ब्लीड व्हेन यू गेट हर्ट. आपको पता है जब आपको चोट लग जाती है तो आपके बॉडी में से या फिर उस पार्ट में से जहाँ पे चोट लगी है वहाँ पर ब्लीडिंग क्यों शुरू हो जाती है? खून क्यों निकलना शुरू हो जाता है? द स्किन ब्रेक्स एंड सो डू सम टाइनी ब्लड वेसल्स रनिंग थ्रू इट. वो स्किन जो है हमारी उस जगह से रप्चर हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है यानी कि टूट जाती है ना, फट जाती है स्किन वहाँ से. इसी के साथ साथ वहाँ पर ब्लड वेसल जो प्रेजेंट रहती है वो भी ब्रेक डाउन हो जाती है और उसमें से ब्लड जो है वो बाहर आना शुरू हो जाता है. द ब्लड फ्लोइंग थ्रू द वेसल्स देन कम्स आउट. तो वहाँ से ब्लड जो है वो बाहर आना शुरू हो जाता है, इसी वजह से ब्लीडिंग होती है. ठीक है. तो इसी के साथ आपका लेसन नंबर 1 जिसका नाम है व्हाट्स इनसाइड द बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर क्या है, ये लेसन कंप्लीट होता है. हमने अभी ये सारा लेसन कंप्लीट किया है. आई होप आपको ये सारा लेसन समझ आया होगा. और अगर आपको पढ़ाने का यानी कि मेरे पढ़ाने का तरीका एक्चुअल में सही लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब फटाफट से कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो में जब भी अपलोड करूं तो आपको एक छोटा सा नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाए. थैंक यू सो मच.